नमस्कार सतयुग, मैं हूँ एडवोकेट अशोक चौधरी। सतयुग, एक तो नए टॉपिक पे मुझे बात करनी थी यार, कि बहुत सारे टाइम पहले मैंने दुबई से रिलेटेड, बहुत टाइम क्या, अभी लगभग 15-20 दिन से मैं दुबई से रिलेटेड वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, और उससे पहले मैंने काफी सारे वीडियो डाले थे दुबई जॉब से रिलेटेड, और वो भी आप लोगों की मांग थी कि सर जॉब से रिलेटेड वीडियो डालो। मैंने आज से 1 साल पहले कमिटमेंट भी किया कि भाई जैसे जिनके पास रिक्वायरमेंट आती है मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन यार ये कहाँ का नियम हो गया कि वीडियो आपके लिए वीडियो भी मैं डालूं। ठीक है, एजेंट का मैंने नंबर दे दिया, उसके बावजूद आप मुझे गाली देते हो, मुझे मेरे कमेंट के नीचे लिखते हो कि आपके भेजे हुए लड़के। अरे भाई, मैंने कौन से लड़के भेज दिए? मुझे आपने पैसे दिए, आपने जब गए थे आपने मुझे कॉल किया, मैंने आपको भेजा था, मुंह पे थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज नहीं है। ये मैं पूरा एक्सप्लेन आज करूंगा आप लोगों के साथ में, अगर मेरी गलती हो तो आप मुझे बताना भाई, अपना चैनल मेरा नहीं है, आपका है, समझ गए बात को। हालांकि ये चुटमुती है, एक दो दो चार आदमी है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन यार मेरी सोच ये होती है कि जो कमेंट में देते हैं ना, वो सबके सामने वो बातें बतानी जरूरी होती हैं। तो खास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुबई से रिलेटेड वीडियो देख के, उनके लिए है खास तौर से। ठीक है, तो कुछ लोगों को मैंने शॉर्टली अभी एक वीडियो डाला था मैंने रिसेंटली मलेशिया से रिलेटेड। ठीक है, उस पर मैंने क्वेश्चन के सिर्फ आंसर दिए हैं, मैंने कोई वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर दिए थे। उसमें इतने अनपढ़ और जाहिल लोग हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि इसमें है क्या। ठीक है, अब एक बंदा बोलता है सर आपका दुबई का फ्रॉड कर लिया, मलेशिया का फ्रॉड चालू कर दिया। अरे मूर्ख इंसान, समझ ले कि उस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, हेडिंग में लिए लिख रखी थी, किसी भाई ने कमेंट किया कि मलेशिया से हांगकांग जा सकते हैं, मैंने हेडिंग रख दी मलेशिया से हांगकांग, तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा नीचे कमेंट कर दिया कि अब दुबई का काम बंद करके, क्योंकि मेरा वीडियो, मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं दुबई से रिलेटेड, तो दुबई का फ्रॉड पूरा हो गया तो अब मलेशिया का स्टार्ट कर दिया। तो कुछ तुच्छ लोग हैं, उनको क्योंकि मैंने यार LLB, मैं एडवोकेट हूं, तो मैं हर चीज सबूत के हिसाब से और आपको गवाह के हिसाब से हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा। और कहीं ना कहीं साथियों, ये वीडियो नहीं डालने का रीजन भी आप लोग ही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि मैं क्यों फोकट में गाली क्यों खाऊं। ठीक है, अब वीडियो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप वीडियो बनाने के पैसे, अरे भाई दुनिया लेती है वीडियो बनाने के पैसे, क्या बात करते हो आप, कौन पैसा नहीं लेता यार, चैनल पे इतने सारे ऐड आते हैं, अखबार में ऐड आते हैं, कितनी दुनिया ऐड करती है, वो पैसा नहीं लेती, फोकट में सब फोकट में। आपको भी तो भूख लगती है ना, आप दुबई चले जाओ, 2 महीने 5 महीने काम कर लो, तनख्वाह मत लेना, वहां पे पता लग जाएगा कि आप ऐसे बिना पैसे भी काम कर लेते होगे। हर चीज का पैसा लगता है, बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, ठीक है वो देख लीजिए। बाकी कुछ कमेंट है स्पार्क, हालांकि मुझे जरूरी नहीं था इन लोगों का आंसर देना, लेकिन बहुत जरूरी है आप लोगों के, सबके लोगों की समझ में आनी चाहिए। स्पार्क जोन, पता नहीं कौन बंदा है, मैं इसको नहीं जानता, ये वीडियो बनाने का क्या मतलब, आपने दुबई में लड़के हैं वो फंस गए वहां, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं, उनकी हेल्प करो, आपका कोई मतलब नहीं होगा भाई, हेल्प में पैसा भेजू उनको, मैंने भेजा उनको, मैंने सिर्फ आपको एडवाइस दिया कि ये जॉब आई है, मेरा काम सिर्फ जानकारी पहुंचाना, हर वीडियो के नीचे लिखता हूं कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका एग्जाम्पल मैं समझाऊं आपको, गवर्नमेंट जॉब निकालती है तो अखबार में ऐड आता है, ठीक है, फलानी वैकेंसी फलानी डेट तक फलाने फोरम तक, अब वो अखबार की न्यूज पढ़ के आप ऑनलाइन ई मित्र पे जाओगे, ई मित्र वाला आपसे पैसे ज्यादा ले ले, आपका फॉर्म खराब कर दे, आपका फॉर्म सही नहीं भरीजे, या फिर आप जॉब नहीं लगोगे, तो वो गलती अखबार वालों की है कि आपका अखबार पढ़ के हम वहां पे गए थे नौकरी के लिए, हम नौकरी नहीं लगे, हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। ठीक है, मैं ये एक बंदा है देवेंद्र सिद्धू, ये लिखता है दुबई में जो लड़के हैं बिना जॉब के आपका वीडियो देखकर गए थे, उनकी हेल्प तो आप करोगे नहीं क्योंकि गरीबों को लूट रहे हो। अरे मूर्ख इंसान, 500 रुपए देने की आपकी औकात नहीं है, कहां 80-90 हजार लाख रुपए की बात कर रहे हो, एक सिंगल बंदा बता दो जिससे मैंने पैसा लेके वहां पे भेजा है, मेरे 2-3 पर्सनल आदमी, वो तो मैं तो भेजूंगा, मेरे भाई वगैरह वो तो मेरे रिश्तेदार है, वो तो मैं मेरी मर्जी से मैं भेजूंगा ना, बाकी एक बंदे को बता दो कि मैंने किसी को भेजा है, मैंने किससे पैसे ले लिया बिना सोचे समझे। ये बंदा देवेंद्र सिद्धू 1 साल से मेरे से कमेंट पे हर चीज की हेल्प लेता है, मैं हर चीज का इसका जवाब भी बहुत सारी वीडियो में दिया है, लेकिन इतने गंदे लोग हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। इसको मैंने बोला कि तू मुझे कॉल कर मेरे व्हाट्सएप पे, लेकिन ये बंदा कॉल नहीं किया, ये बंदा अलग अलग कमेंट पे जाके नीचे कमेंट कर रहा है, मैं हर कमेंट पे इसको बोल रहा हूँ तू एक बाप की औलाद है तो तेरा कमेंट कर नंबर, ताकि मैं तेरे से बात कर सकूं कि मैंने क्या लिया तेरे से, फिर तेरी वॉइस रिकॉर्ड करूं मैं, लेकिन नहीं, ये मुझे नहीं किया। ठीक है, एक संजी किड्स बोलते हैं सर मुझे बोला कि सर आपके मुझे नंबर चाहिए, देवेंद्र उसके नीचे जाता है तुरंत, क्या बोलता है नंबर क्या क्या करना है, अपनी लाइफ खराब मत करना इनसे। ठीक है, आगे एक भाई बोलता है
सॉरी टे एमआर अशोक एलएलबी, आपके सब इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। क्यों कितना पागल बनाते हो जनता को, कंपनी छोड़ के भाग जाए आदमी। एजेंट का काम सिर्फ मलेशिया भेजना नहीं होता, उनके बारे में केयर करना भी। हाँ एजेंट आपके मुंह में है ना, निवाला भी देगा। ये बात कर रहा है फेल्डा कंपनी की। अभी इस बेवकूफ इंसान को ये नहीं पता कि फेल्डा कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें कोई तरह की चीटिंग क्या होनी है यार। 30-35-40 हजार रुपए लगते हैं, 800-900 हजार 1100 उसमें पगार होती है, 3 साल का अग्रीमेंट होता है। 3 साल से पहले आओगे तो कंपनी नहीं भेजेगी, बिल्कुल पैसे लेगी। इस पे मैंने एक वीडियो कमेंट का जवाब दिया था, इसका ये जवाब दे रहा है। अरे अमन राजपूत पता नहीं हो तो कम से कम अपने बकवास तो अपने पास रखो यार, दुनिया को क्यों अपनी औकात दिखा रहे हो। कितना मैंने आपको रिप्लाई भी दिया, आप देख लेना सब चीजों का मैंने इनका रिप्लाई दिया है। मैंने इनके इनसे दोनों से नंबर मांगे हैं लेकिन ये लोग नंबर नहीं दे रहे मुझे, ठीक है। अगर आप ये जानते हो, एक तो अमन राजपूत है, देवेंद्र सिद्धू, इनका कोई जानकार है तो यार प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे नंबर जरूर देना, मैं इन लोगों से बात करूंगा, ठीक है भाई। भाई यार मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया। आप मना कर दो वैकेंसी जरूरत नहीं है यार, मुझे क्या जरूरत है मुझे वीडियो बनाने की, फलाने एजेंट के पास जाओ, डिकड़े के पास जाओ, मैं क्यों मेरी ऐसी तैसी करवाऊंगा यार यहाँ पे। एक तो आपके लिए वैकेंसी डालो, एक आपसे गालियां खाओ, इसीलिए मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया, किसी का वीडियो नहीं बनाना। भाई क्या मतलब है यार, क्यों मैं गालियां खाऊं बिना मतलब में? क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि YouTube क्या चीज है, एक चैनल होता है, ठीक है। और मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, समझ गए बात को। जैसे बड़े टीवी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, टीवी देखे होंगे, टीवी देखते होंगे ना आप, उसमें क्या आता है, टीवी में ऐड आता है। एड देख के आप कोई सामान खरीदते हो, अखबार में एड आता है, सामान खरीदते हो, कल को वो सामान में मिस्टेक हो गई, वो गलत हो गया या कुछ भी हो गया, किसको बोलोगे आप? जो सामान बनाने वाली कंपनी है उसको बोलोगे या फिर जिसने एड दिया उसको? आप उसके ऊपर आप एक्शन लेने की कोशिश करोगे या उसको गालियां दोगे? अखबार को टीवी को कभी गालियां दिया आपने? एग्जाम्पल दूंगा मैं साथ में, अक्षय कुमार एक जूते का एड करता है स्पार्क, अगर वो जूता कटपट चाहे इसकी कंपनी गारंटी के अंदर है, तो आप अक्षय कुमार को ब्लेम करोगे या कंपनी को ब्लेम पर करोगे? मुझे इस बात का जवाब देना, ठीक। मेरा चैनल इसी प्रकार से है, मुझे शौक नहीं है, ठीक है। शादी.com एक वेबसाइट है, उस पर शादी से रिलेटेड लड़के लड़कियां एक दूसरे में देख के शादी का एक है, आप सर्च कर लेना, उस पर 15 लाख रुपए ठग लिए। ये किसकी गलती है? शादी.com उसकी गलती है क्या वेबसाइट की? उसका काम है लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना। अब ठगी किसने करी है, लड़की या लड़के ने? तो मैटर किसका है, लड़की लड़के का नहीं कि वेबसाइट का? सेम मेरी कंडीशन ही है, मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाने की है जानकारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हिमा दास को जानते होंगे, पूरा दुनिया भारत जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है और भारत भी जानता है। 6 महीने पहले तक इसको कोई नहीं जान सकता था, 21 दिन में 6 गोल्ड मेडलिस्ट ये जीत चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया इंडिया में, ठीक है। कौन जानता था? इसने एक वॉशिंग मशीन का ऐड किया है, मेरी बात को गौर से समझना भाई, वॉशिंग मशीन का ऐड इसने किया है। कल को वॉशिंग मशीन आप वो ऐड देख के खरीद लेते हो, ठीक है, और वो वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, तो आप हिमा दास को गालियां दोगे या फिर जिस कंपनी के लिए उसको आप रिपेयर के लिए या उसको चेंज करने के लिए बोलोगे? जवाब आपसे मांगूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। दैनिक भास्कर अखबार, कितने सारे अखबार होते हैं, उसके अंदर पन्ना पलट के देखोगे तो रोज के 1000 ऐड आते हैं, उस एड को देख के हजारों लोग ठगवाते हैं, अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं। वो ठगे हुए लोग अखबार को बोलेंगे या फिर जिन्होंने ठगा है उनको बोलेंगे, या उनके साथ जिन्होंने चीटिंग करी है, उनका गलत काम हुआ, उनका काम नहीं हुआ, किसको बोलोगे? वो अखबार को बोलेंगे, दैनिक भास्कर को, कि आपका हम एड देख के वहां पे गए थे, हमारे साथ ये हो गया, तो इसके जिम्मेदार आप हो। रॉन्ग एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये अखबार है, इसमें एक ऐनक होता है ना, ग्लास चश्मा, उसका एड आया है, ये चश्मा टूट फूट गया कंपनी की गारंटी के अकॉर्डिंग, तो आप अखबार पे ब्लेम करोगे कि अखबार को ऐड देखा हमने, पूरा हमारा ऐड आपका ऐड देख के हमने उस दुकान से 100 चश्मा लिया, ठीक है, और वो गलत हो गया, टूट फूट गया, तो इसकी जिम्मेदारी अखबार की है, नहीं कि कंपनी की। ये कंपनी की जिम्मेदारी है, टूट फूट जाता है तो कंपनी में जाना पड़ता है आपको। मुख्यमंत्री आवास योजना चल रहा है, मैं दिखा स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं हर चीज का, अखबार में उसके ऐड आते हैं, अखबार में एड देख के आपने उसमें फ्लैट ले लिया, वो बिल्डर बना रहा है, ठीक है, उसको आपने 10 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख एडवांस दे दिया आपने, 10 लाख टोटल देने हैं, टाइम पे उसने आपको बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं किया फ्लैट, या फिर उसमें कमी रख दी, या जो आपके साथ वादा किया वो पूरा नहीं किया, तो ये बोल देना कि हमने तो अखबार वाले पे मुकदमा करना है, अखबार में एड देख के हम उसके पास गए थे, बिल्डर से को हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्डर को हमने 2 लाख 10 लाख दे दिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अखबार को जानते हैं,
अरे मूर्ख इंसान, अखबार तो सिर्फ एडवर्टाइज देता है, आप तक जानकारी पहुंच गई, उसके बाद आपने जो नंबर लिखे है ना उस नंबर से आपने कॉन्टेक्ट कर लिया, तो आपके और उसकी बीच की मैटर है, वो अखबार की गलती नहीं है उसमें। सेम मेरा चैनल ऐसा ही है, समझ गए बात को। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं, और दूसरी खास बात बता दूं कि यूट्यूब चैनल है एक बहुत बड़ा, जी के या जी अनमोल या फिर स्टार गोल्ड, ये भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, कोई फर्क नहीं है। वो भी यूट्यूब पे आते हैं, वो भी ऑनलाइन है, वो यूट्यूब पे, मेरा भी चैनल यूट्यूब पे है। वो भी आपको सिर्फ जानकारी देते हैं, मैं आपको जानकारी देता हूँ, मेरा काम इतना ही है। ये वीडियो बना के डालने का लाइसेंस यूट्यूब देती है, आप लोग नहीं देते, समझ गए बात को। और यूट्यूब ये भी बोलती है, आप यूट्यूब की गाइडलाइन में जाके देखना, आप काम, आपको पता नहीं इन चीजों का, कि आप अगर किसी चीज का ऐड कर रहे हो तो आप बदले में पैसा ले सकते हो। इस चीज की पॉलिसी बनी हुई है, कानून बना हुआ है इसका। अखबार आप किसी चीज का प्रमोट करवाते हो, अखबार में अपना ऐड दिलवाते हो, अखबार वाला पैसा लेता है ना, टीवी में अपना ऐड दिलवाते हो पैसा लेता है ना, अरे और तो और सिटियों में बड़े बड़ी जो छतें होती है उस पर होल्डिंग लगे होते हैं, उसका भी पैसा लगता है, हर चीज का पैसा लगता है। अगर मैं ले भी लूं, मैं मेरा वीडियो बनाने का पैसा ले लूं, तो आपको कहां दिक्कत है, मुझे बताइए आप। और अगर मेरा, मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम था आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। मैं हर वीडियो में नीचे एक पट्टी चलती है मेरी, आपने गौर से नहीं देखा, वो कानून की पट्टी होती है, मैं बता दूं आपको, उसमें मैंने साफ साफ लिख रखा है ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, बाकी उसमें कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिए हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट एक बार उनका आपका हो जाता है, उसके बाद आपका उनका लिंक होता है, मेरा लिंक नहीं होता। क्योंकि इसमें एक माइनस पॉइंट यूट्यूब ने ये दे दिया कि कमेंट की व्यवस्था कर दी, इसलिए आप कमेंट कर देते हो, ये कर दिया अशोक जी ने, वो कर दिया अशोक जी ने, फ्रॉड कर दिया। मैंने सिर्फ जानकारी डाली थी आपको, और अखबार में ऐड आते हैं उसमें कमेंट के लिए व्यवस्था नहीं होती, टीवी में ऐड आते हैं उसके लिए कमेंट में व्यवस्था नहीं होती, ठीक है, तो उसमें तो आप झकमार के रह जाते हो, आपको लाखों का नुकसान हो जाए। समझ में आ रही है ना बात मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 100% मेरी जगह सही हूं, कोई चैलेंज कर नहीं सकता मुझे, क्योंकि मैं लॉ पढ़ा हुआ बंदा हूं, लॉ के अकॉर्डिंग ही मैं मेरा काम कर रहा हूं, समझ के। हाँ गलत मैं तब हो सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे डायरेक्ट पैसे लेके मैंने आपको विदेश भेजा, ठीक है, उसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं उसमें सुधार करूंगा, गलती होगी तो मैं उसमें चेंजिंग करूंगा, समझ के। लेकिन यहां तो मैं गलत हुई नहीं यार, ये भाई ये दिमाग है ना अपना पास रखिए, ये कमेंटों के जवाब इसलिए मैंने देने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे चैनल पे लोग लेबर कैटेगरी के लोग ज्यादा देखते हैं भाई, उनको दिमाग तो होता नहीं है इसलिए वो गलत बातें करते हैं, मुझे वो दिमाग में यहां चढ़ती है भाई, समझ गए। मैं गालियां भी देता हूं, सीधी बोल रहा हूं मैं, ऐसे लोगों की चैनल पे कोई जरूरत नहीं है, मत देखो, कोई क्या जरूरत है भाई, मेरे पास इनकम के बहुत सोर्स है, यहां से मुझे कोई इनकम नहीं आ रही है, मैं ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही बोलता रहूंगा जब तक मैं सच्चाई के साथ हूं। जिस दिन मैं गलत हो जाऊंगा, जिस दिन बोलना सच्चाई बंद कर दूंगा बोलना, क्योंकि मैं तो औरों में शामिल हो जाऊंगा ना फिर। तो इतना ही है आज के लिए वीडियो, और जरूरत पड़ी तो और बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर लोग देखते नहीं है, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर अच्छा लगे वीडियो तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो ऐसी बातें करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे यार, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।